हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए टैक्स रिलेटेड कुछ कमाल की न्यूज़। न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं हूँ जसवीर यादव और आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला खबर आ रही है रियलमी स्मार्ट टीवी 4K की तरफ से, जो 31 मई को लॉन्च होने वाला है। इस टीवी में आपको 43 और 50 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जा रहा है 43 इंच की प्राइस आपको 28 से 30 हज़ार देखने को मिल सकता है। 50 इंच वाले डिस्प्ले की प्राइस आपको 33 से 35 हज़ार देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों अगला खबर आ रही है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर, 18 जून में लॉन्च होने वाला है। अगर आपके फोन में 2 GB से ज्यादा रैम है तब जाके आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को खेल सकते हो। इस गेम में आपको लेवल 3 का बैक पैक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगला खबर आ रही है रियलमी GT 5G को लेकर, स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है यह 3 जून को लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको 12 GB रैम, 128 और 256 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। यह 64 MP ट्रिपल कैमरा के साथ आएगा। इसमें आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा, 2 MP का माइक्रो देखने को मिल जाएगा, 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 65 वाट फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जिसके मदद से आप 35 मिनट में अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर सकते हो। अगला खबर आ रही है रेडमी K20 और पोको X3 Pro को लेकर, बताया जा रहा है इसमें Mi 12.5 का अपडेट जल्दी देखने को मिल सकता है। अगला खबर आ रही है गूगल वेहिकल्स एरोप्लेन की तरफ से, गूगल एक ऐसा एरोप्लेन पर काम कर रहा है जो एरोप्लेन ऑटोमेटिक चलेगा। इसको बनाने में गूगल को 181 करोड़ का खर्च आएगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।